कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वायरस ने दुनिया भर में जानलेवा तबाही मचा रखी है। कोरोना से अभी तक 58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,98,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। वही बात अगर इटली की जाए तो कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत इटली में हो गई, जबकि अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई है। यहां पर 24 घंटे के भीतर 1,480 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में जर्मनी ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक जर्मनी में संक्रमण के मामले 91,159 पर पहुंच गए। चीन की अगर बात की जाए तो अब तक कुल 82,511 मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में संकट गहराता ही जा रहा है। अब तक 2900 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत इस वायरस से हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना वायरस के 478 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। अब तक 490 मामले सामने आए और 26 लोगों की जान इस वायरस के चलते चली गई। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो आगरा में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इसी बीच नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में भी कोरोना वायरस पहुंच गया। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने यह पुष्टि की है कि मिशन के एक अधिकारी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस अधिकारी के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी नहीं दी है। और लगातार पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। दिन ब दिन यहां पर संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। 2900 के पार आंकड़ा पूरे देश में पहुंच गया है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अगर क्षेत्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से कहा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव और संकट कोरोना का देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक केसेस पूरे देश भर से यहां पर दर्ज किए गए, और इसी के साथ में देश भर में 77 लोगों की मौत इस वायरस के चलते अभी तक हो गई है। आर्थिक संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। मरीजों की संख्या 2900 के पार पहुंच गई है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकारें यहां पर बेहद प्रतिबद्ध है, लेकिन कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, 2900 का आंकड़ा लगातार अब कोरोना पार कर चुका है, जल्द से जल्द लोगों की यहां पर ठीक होने की गुंजाइश जो है उसकी सब कामना कर रहे हैं। पूरे देश में अभी विकट परिस्थिति है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे 2900 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना वायरस, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी तक कम्युनिटी की ओर से जैसे फैलाव की बात की जा रही थी वो नहीं पहुंचा, कम्युनिटी वायरस नहीं हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 43 नए मामले आए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहना है कि तमाम जो मरीज हैं कोरोना वायरस के उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, अस्पतालों में तमाम जो है प्रबंध वो कर दिए गए हैं। दिल्ली में 2000 बेड LNJP अस्पताल में व्यवस्था की गई है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज हर्षवर्धन ने बातचीत की, उन डॉक्टरों से मुलाकात की, उसके बाद ये फैसला दिया गया है, ये मीडिया को बताया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेके जो फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों को लेके जिस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाहें उड़ाई जा रही थी, इनको जो है इन पे पाबंदी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये निर्णय लिया गया, कोर्ट की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकारें यहां पर प्रतिबद्ध और बिल्कुल अड़िग नजर आ रहे हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इन दिनों में कितनी बार जनता को संबोधित किया? कल भी अपने संबोधन में कहा 5 अप्रैल को यानी कि आगामी रविवार को रात के 9 बजे दिया जलाने का जो संकल्प पूरे देशवासियों को दिलाया, उसको देखकर मिला जुला यहां पर असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, पिछले 10 दिनों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन दे चुके हैं। जी 5 अप्रैल यानी कि रविवार को 9 बजे उन्होंने ये कहा है कि जितना ज्यादा प्रकाश होगा उतनी ही ज्यादा हम लोगों को यूनिटी शक्ति मिलेगी, एक साथ आने की शक्ति मिलेगी। और जिस तरीके से आभार प्रकट किया था पिछली बार डॉक्टर्स का, कर्मचारियों का, नर्सिंग स्टाफ का, ठीक उसी तरीके से इस बार एकजुट होने का और हम लोग मजबूत है ये एक संदेश जाएगा जम्मू कश्मीर से लेकर, और ये कहा जाए कि पोर्ट ब्लेयर तक, जहाँ पर तमाम जो काफी संख्या में कोरोना वायरस के मरीज आ गए हैं वहां तक एक अच्छा संदेश जाएगा। तो उन देश को जोड़ने की बात की जा रही है, इसी वजह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जो है एक मीटिंग की। इसके साथ ही राष्ट्रपति की ओर से भी पिछले दिनों 2 बार तमाम राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनसे और उपराज्यपालों से बातचीत हो चुकी है, और उसका कोरोना वायरस को कैसे निपटा जाए इसको लेके एक रणनीति को लेके एक जी 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 तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। एक बार आपको फिर से बता दें, पूरे देश के अंदर कोरोना का संकट जो है वो गहराता जा रहा है, प्रकोप लगातार इसका जारी है। 2900 कुल मामले कोरोना के पूरे देश भर से अभी तक सामने आ चुके हैं, 77 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कई लोग इसमें ठीक होकर भी चले गए हैं अपने घरों की ओर, लेकिन फिलहाल तक कोरोना का जो संकट है वो लगातार यहाँ पर अपना तांडव रूप दिखा ही रहा है।